कितना ज्यादा इसके अंदर फायदा होने वाला है, क्योंकि अंदर की जो वाले ट्विटर यहाँ पे होते हैं और वो रोटेट होके बाहर आते हैं। ओह माय गॉड, इतना बड़ा। एंड वेलकम टू माई कंट्री माई राइट। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री माई राइट के एक और ब्लॉग में। तो आज दोबारा से एक बहुत ही स्पेशल डे है, ऑटो बेस्ट इम्पीरियो शोरूम पे नारायणा में। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपको आए दिन नई नई गाड़ियाँ दिखाते हैं और बेस्ट से बेस्ट डील लेके आते हैं जो आपको खरीदने में हेल्प करे और आपके पैसे हो जाएं सेव। तो एक उसी कड़ी में आज हम आए हैं ऑटो बेस्ट इम्पीरियो पे एक मर्सिडीज ब्रांड की गाड़ी लेके, और हमारे साथ होंगे हमारे भाई नमन फ्रॉम ऑटो बेस्ट। भाई एक बार हाय करो सबको। हाय गाइस, दिस इज नमन फ्रॉम ऑटो बेस्ट। आज जो हम मर्सिडीज ब्रांड लेके आए, वैसे तो लास्ट वीडियो में भी हमारी मर्सिडीज ही ब्रांड कवर किया था जी, दैट वाज AMG, बट आज हम क्या कर रहे हैं? दिस इज अ क्लास कार, क्लास कार, जेंटलमैन कार। मतलब पहले वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, बट आज अ जेंटलमैन कार। ठीक है, ऐसा क्यों कहा वैसे हमने? ये गाड़ी जो है ना, मतलब ये ड्राइवर्स कार है। ओके, पीछे वाली सीट्स पे बैठिए, रिक्लाइनर सीट्स हैं, पीछे आराम से बैठ के मीटिंग हो सकती है, कुछ भी, मतलब आप लगा लीजिए। नॉर्मली जो सेल्फ ड्रिवन कार होती है ये उसमें काउंट नहीं कर सकते। ओके, अब अगर हम बात करें इस गाड़ी के नाम की, तो नाम डिस्क्लोज करो। इस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज बेंस E350। डिफरेंस बिटवीन सी क्लास एंड ई क्लास, सबसे पहले तो लेंथ, सेकेंडली ये E220 भी नहीं है, ये 350 है। okay. ये स्पेशल एडिशन होती है। ओके, स्पेशल एडिशन मतलब अगर आप नॉर्मली कहें तो हमारी जो ई क्लास आती है E220, उसमें सिर्फ कैमरा आता है, मतलब रिवर्स कैमरा आता है। ओके, इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरी गाड़ी, आप पूरा इंजॉय करना वॉक अराउंड इस गाड़ी का, मर्सिडीज की ई क्लास, दैट इज E350, राइट? बिल्कुल। अब इस गाड़ी की जो लेंथ है वो बताया जा रहा है कि जो इसकी लंबाई है वो कहीं ना कहीं आपको जो नॉर्मल जो सी क्लास आती हैं उनसे तो काफ़ी बड़ी है। तो अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सबसे पहले गाड़ी के जो स्टॉक अलॉय हैं, और नमन से जानेंगे। नमन, सबसे पहले तो ये जो एयर को भरने के लिए जो दिया था, इस पर भी मर्सिडीज का साइन है यार। हाँ जी। कितने इंचेस अलॉय रहेंगे ये? हैं हमारे 17 इंचेस अलॉयस। ठीक है, तो अभी आप पूरी प्रोफाइल एंजॉय कर पा रहे हो, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं पीछे से कि पीछे से क्या कंडीशन है। तो एक बार आप मॉडल भी डिस्क्लोज कर ही देते हैं, तो भाई मॉडल एक बार बता दें। ये है E350 अवंतकार्ट, एंड ये है 2017 मॉडल। एक बार जरा इसका की हमारे, देखो लेटेस्ट की वाली है, देखो जो लेटेस्ट की मर्सिडीज की आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक बूट है, दिस इज द बूट स्पेस। अगर आप देखना चाहो तो इसके अंदर भी आपको वही मर्सिडीज का स्पेयर व्हील मिल जाता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाता है। पीछे की टेल लैंप आप देख पा रहे हो, और इसके अंदर भी आपको ड्यूल एग्जॉस्ट मिलते हैं, एक ये रहा और एक उस तरफ है। जैसे इसको बंद कर दिया, पीछे जो ब्रांडिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ियाँ जिसकी हम बात करें। सो दिस इज E350D मर्सिडीज। अब इसके अंदर रिक्लाइनर्स हैं, अब रिक्लाइनर्स क्या एस क्लास का फील दे देगी क्या? बिल्कुल दे देगी। हैं? बिल्कुल दे देगी। तो चलें फिर इसके अंदर एक बार देखते हैं कि एस क्लास से कितना ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अंदर की जो एम्बिएंट लाइटिंग है ना इसकी, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो अभी हम इसके अंदर जरा बैठते हैं। ओहो, रिक्लाइनर, सीरियसली पैसा वसूल, सीट्स देख रहे हो, कंफर्ट देख रहे हो, पैसा वसूल भाई, नेक्स्ट लेवल है ना। बर्मिस्तर का तो इसके अंदर ऑडियो सिस्टम लगा है, बर्मिस्तर का ऑडियो सिस्टम है। क्वालिटी देखो, वुडन लेदर, बेज इंटीरियर, ब्राउन इंटीरियर। मेन जो इसका काफी जो इसमें अट्रैक्शन है वो हमारी ये एम्बिएंट लाइटिंग, बहुत कलर। रात के टाइम में अगर इसको आप देखें ना, पूरी कार में सिर्फ इसी की लाइट है, और इसकी इसके अलावा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। बेशक बेशक, बहुत अच्छा फील आ रहा है मर्सिडीज बेंज की ब्रांडिंग। जो ये कुशनिंग है ना रिक्लाइनर्स की, वो बहुत अच्छी है। अब ये जो आर्म रेस्ट है वो काफ़ी मैसिव है, तो इस पूरी प्राइवेसी बन जाती है, एक काउच सा बन जाता है। हाँ जी, यहाँ पे आपको स्टोरेज कुछ मिल रही है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये अपने को ऑटोमेटिक एसी मिलता है। हाँ जी। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नमन के पास जो कंट्रोल है वो आप यहाँ देख लो, तो यहाँ पे आपको
सब कुछ ही मिलता है। अब यहाँ पे आपको मेमोरी सीट्स मिलती है जो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होंगी सीट्स। ये पीछे आप देख सकते हो ये किस तरीके से मूव हो रही है। मेमोरी सीट्स का ऑप्शन भी आपको मिलता है। और ये जो आप कंट्रोल देख पा रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ विंडो के कंट्रोल नहीं है, इससे क्या क्या चीज़ कंट्रोल होती है वो मैं अभी हम आपको दिखाते हैं। तो नमन एक बार आपके पास जो कंट्रोल है उससे एक बार मिरर आप कंट्रोल करें, पहले मेरा फिर अपना। अगर यही कर्टन अगर नमन मेरी साइड का ऑपरेट करना चाहें तो वो भी वहीं से ही कर सकते हैं। अब जैसे कर्टन अगर हमने ऊपर करना हो सनशेड सन ब्लाइंड तो एक बार वो भी ऊपर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से हो गया, अब ये हो गया ठीक है। अब प्राइवेसी पूरी करनी है, अब ये भी पैनोरामिक सनरूफ है। आप यहाँ पे भी एक आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें बटन दबाएंगे तो आप ये देखेंगे उधर से और इधर से ये पूरा अपना बंद हो गया। दिस इज द फील, सीरियसली मैन, ये एस क्लास वाला फील है कि आप जो पीछे बंदा बैठा होगा ना उसको ऐसा फील होगा कि नहीं असली लग्जरी का जो पैसे खर्चे हुए ना वो पीछे वाले को पूरे वसूल। आप बताओ जेंटलमैन कार है? नहीं ये तो वाकई जेंटलमैन कार ही है। स्पेशली इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। अगर आप लाइटें भी देखोगे ना तो दिन में भी ना इतनी सारी लाइटें, ये वैनिटी जो मिरर्स आपको दिए होते हैं उसके अलावा यहाँ पे भी आपको लाइटें मिलती हैं। मतलब इधर आप देख पा रहे हो इधर भी है और आई थिंक उस साइड भी लाइट होगी। अब ये देखो ये जो माहौल जो बन रहा है ना लाइटों का, जो रात चाहे कितनी भी हो अगर ये लाइटें जल रही होंगी तो एम्बिएंट का जो फील आएगा वो ज़बरदस्त आएगा। वो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको भी दिखाता हूँ, पीछे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ अभी दिन का माहौल है तो एम्बिएंट लाइट आप देख पा रहे हो क्या फील दे रही है। आगे से कुछ ये है इसका इंटीरियर। तो अभी हम इस गाड़ी के आगे बैठते हैं और थोड़ी और कुछ बातें समझते हैं नमन से। बाकी पीछे का जो फील है वो हमने आपको दिखा दिया है। लेग रूम देखो कितना ज़्यादा लेग रूम है जबकि आगे वाली सीट जो है वो फुल एडजस्ट है। इधर भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नमन ये किस चीज़ का ऑप्शन होता है ये बटन? ये सीट्स हैं जिससे आप आगे वाली सीट को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज ड्राइवर कार चला रहा है, आप पीछे बैठे हैं, आपको प्रॉपर कंफर्ट चाहिए। वैसे तो इसके बिना भी कंफर्ट है बट स्टिल ये आप देखेंगे आगे वाली सीट आगे हो रही है। ये देखिए अब ये जो मूवमेंट है ये कैसे हो रही है, ये देखिए यहाँ से। मतलब आपको आगे वाले को बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये अब थोड़ा सा वो स्ट्रेच करो अपने पैरों को आगे करो। अब ये देखो जो स्ट्रेच जो किया है भाई ने वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन भाई को उधर ही मिलता है क्योंकि ड्राइवर साइड्स को आप ऑपरेट नहीं कर सकते ज़्यादा क्योंकि गाड़ी चलनी यहाँ से है, यहाँ से नहीं चलनी होती। तो ये एक बहुत अच्छा रूम मिल गया यार, मज़ा आ रहा है। इस गाड़ी से जाने का मन नहीं कर रहा तो, लेकिन आगे बैठे फिर अब चलो। चलिए अब बैठते हैं आगे इस गाड़ी के। इतनी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आती है ना कि एक एक बीट ना आपको सुनाई देती है। बेस होगी, ट्रेबल होगी, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है। अब इसकी जो ऑडियो सिस्टम होते हैं वो भी हमेशा सिल्वर में ही आपने देखे हैं, कभी कोई मैट फिनिश नहीं होती इसके अंदर। एस क्लास के अंदर यही वाले ट्विटर यहाँ पे होते हैं और वो रोटेट होके बाहर आते हैं। अब इसके अंदर हम बैठे हैं, सबसे ज़्यादा तो अच्छा फील होता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कार है, लॉन्ग व्हील बेस है, ब्रॉड भी है, सिटिंग भी है इसकी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कंफर्टेबल। स्पेशली इसके अंदर जो एम्बिएंट लाइटनिंग है वो इस गाड़ी को बहुत नेक्स्ट लेवल बनाती है दोस्तों। इसमें कलर्स भी आते हैं काफ़ी सारे। एक बार हम एम्बिएंट लाइट की तरफ चलेंगे और ज़रा देखते हैं कि कलर्स में अपने को एम्बिएंट लाइट में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। ये देखिए ये सब कुछ यहीं से ऑपरेट हो रहा है, आप देख पाते हैं कितना बड़ा आपको स्क्रीन मिलती है। अब यहाँ पे एम्बिएंट लाइट पे गए तो इसके अंदर आपको कलर वेरिएंट आप देखते हो किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, जैसे जिस हिसाब से ऊपर करते जा रहे हैं तो आप इधर देखेंगे पीछे भी चेंजेस हो रहे होंगे और ये जो फील है वो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा। अब यहीं पे हम एम्बिएंट लाइट के अलावा आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, दैट इज़ 360 रिवर्स कैमरा, जो भी हम आगे दिखाएंगे थोड़ी आगे जा चल के। उससे पहले आप ये जो कलर देख पा रहे हो देखो कितने सारे चेंज हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दिल ना भरे तो रोज मल्टी कलर करते रहो आप। बिल्कुल। इसके बाद इसके अंदर जो मेन फीचर है वो है 360 कैमरा, हाँ जी, जो कि इसका रिवर्स कैमरा लगाते ही आपको दिखता है। अब ये देखें आप ऊपर करता हूँ तो आप मतलब क्लैरिटी, आप ये मत सोचो कि ये कोई 3GP फाइल है, ये ऐसी है HD वाली बात, HD क्वालिटी है।
अभी ऊपर करेंगे तो आपको कैमरा एंगल्स दिख रहे हैं, तो ये ओपन हो गए साइड के, ठीक है, सो दिस इज फ्रंट, और ये फ्रंट का ही मेरे ख्याल तीन एंगल बन गया, वाइड एंगल हो गया। सबसे अच्छा एंगल तो भाई मुझे वैसे अगर मैं बताऊं तो आई लाइक दिस, तो ये फ्रंट है बैक है, दिस इज बैक है और ये साइड में ये बैक का वाइड एंगल, ये फ्रंट का। अब गाड़ी को थोड़ा मूव करते हैं तो आपको पता लगेगा कि राइट लेफ्ट की जब गाड़ी होती है वैसे पीछे हो रही है। तो ये देखो अब साइड से हमारे कोई गाड़ी गई है, व्हील्स घूम रहे हैं वो भी दिख रहे हैं, तो साइड में जो कैमरा है वो कितना एच डी है, अमेजिंग। अब इसे डी में कर देते हैं, तो डी में करने के बाद देखते हैं कि जब गाड़ी आगे चलती है तो 360 कैमरे में कैसी लगती है। तो जैसे अगर हम राइट में करेंगे तो ये जो इसकी जो येलो लाइंस आप देख पा रहे हैं वो भी राइट लेफ्ट हो रही है। तो ये बहुत अमेजिंग कार है, इसके अंदर जो लोडेड फीचर है वो अभी आप देख पा रहे हो, पैनोरामिक सनरूफ आती है इसके अंदर, पूरी की पूरी ग्लास टॉप आती है, और कुछ हाइलाइटेड फीचर्स के जो हम देख पाएंगे इसमें, नेविगेशन भी आता है। नेविगेशन देखते हैं, ओह माय गॉड इतना बड़ा नेविगेशन, काफ़ी अच्छा है अभी तो नेविगेशन करते हुए आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी व्यू है। स्टेयरिंग पे आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये जो स्टेयरिंग है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है ना कि मैनुअली, तो ये भी आपको करके भी दिखा देंगे। अब तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें हाइट कंट्रोल का भी ऑप्शन आता है। अच्छा, जैसे कि ये बटन है, ये बटन में दबाऊंगा और आप ऑडोमीटर में देखेगा जी, आप देख रहे हैं व्हीकल राइजिंग लिखा हुआ आ रहा है, अप हो रही है, ये अप हो रही है, आपको थोड़ा बहुत फील भी हो रहा होगा। नहीं हो रहा, हो रहा हो, ठीक 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 ठीक। उसके अंदर मैं काफी सारे मोड भी देख पा रहा हूँ, जैसे कि अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो मोड्स हैं वो हम देख पा रहे हैं कि भाई एक बार शुरुआत करोगे नीचे से, सबसे पहले आता है इको, फिर आता है कम्फर्ट, उसके बाद आपको आता है स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पे तो आते ही थोड़ी एकदम से आरपीएम अपने आप बढ़ी, ये देखें दोबारा देखते हैं, ये स्पोर्ट प्लस पे बढ़ी, ठीक है, स्पोर्ट प्लस पे आप देख रहे हो आरपीएम इतने भी है, ठीक है, ये स्पोर्ट पे आई, ये थोड़ी और कम हो गई, ठीक है, आरपीएम पे कितना, कम्फर्ट पे आई, कम्फर्ट पे सेम है, बट जो एग्जॉस्ट साउंड है वो कम हो जाती है। तो ये देखा आपने स्पोर्ट प्लस पे कि कैसे आरपीएम अभी भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, एक तक पहुंच चुका है आरपीएम, जो पावर है वो स्पोर्ट्स प्लस पे बहुत मजेदार रहती है। ये तो थे कुछ हाईलाइटेड फीचर, और जिन भाइयों को पता है कि ई क्लास क्या होती है वो जानते हैं फीचर, हमारी कोशिश रहती है कि आपको टॉप लेवल जो फीचर होते हैं गाड़ी के वो आपको बता दें, बाकी अगर आपको गाड़ी की डील क्रैक करनी है तो हमें उतरना पड़ेगा पहले इस गाड़ी से और आपको बताना पड़ेगा इसका प्राइस, तो अब उतरे नंबर इस गाड़ी से, तो भाई अब उतरते हैं इस गाड़ी से और बताते हैं आपको इसका प्राइस। ओके दोस्तों, तो अब जरा ड्राइव लेके आ चुके हैं द परफेक्ट सेडान लग्जरी कार की, जिसे आज हम लेके आए हैं ऑटो बेस्ट इंपीरियो स्टॉक से। तो अब इसकी डिटेल ले लेते हैं कि क्या डिटेल है और किस डील में अवेलेबल है ये गाड़ी फॉर सेल। तो भाई प्लीज़ डू दी ऑनर। ये मर्सिडीज बेंज E350 अवंतगार्ड एंड 2017 मॉडल है, ठीक है, ओनली डन 22,000 किलोमीटर्स, ठीक है, एंड जो इसकी आस्किंग कर रहे हैं वो है 47,75,000। 47,75,000, दैट इज नेगोशिएबल। यस, डेफिनेटली नेगोशिएबल है प्राइस। आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस गाड़ी की या किसी भी लग्जरी गाड़ी की जिसका बजट 20 से 25 लाख से ऊपर होता है उस गाड़ी की इंक्वायरी पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड कार ढूंढ रहे हैं, डेमो कार ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आपको अच्छे प्राइस में ABE पे मिल जाएगी। जो भी रिक्वायरमेंट्स है सब फुलफ़िल हो जाएंगे, अपने पास जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल तो हो जाती हैं, बट जो सर्विसेज हैं हम लोग पैन इंडिया ही देते हैं, पैन इंडिया। तो अगर किसी को गाड़ी पे लोन करवाना है पैन इंडिया तो वो अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल है सब कुछ, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करके अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड